असलम क्लास टू हाउ आर यू होप सो यू आल आर फाइन अलहमदिल्ला देर स्टूडेंट्स आज आपकी इंग्लिश बी की वर्किंग में सिंगुलर प्लुरल है सिंगुलर मीन्स एक चीज़ प्लूरल प्लूरल मीन्स एक से ज़्यादा चीज़ें मोर देन वन ठीक है जैसे बुक एक बुक होगी तो हम उसे बुक कहेंगे एक से ज़्यादा होंगी तो बुक्स पेंसिल पेंसिल्स टेबल टेबल्स डोर डोर्स रूम रूम्स ऑरेंज ऑरेंजेस जो वहाँ पर ई एंड पे आता है ये देखें यहाँ पे हमने सारों में एस एस लगाया हुआ है अब आगे है ऑक्स ऑक्स एक्स पे ख़त्म हो रहा है जहाँ एक्स आता है वहाँ हमने प्लूरल बनाने के लिए ई एस यूज करना होता है फिर है नाइफ के एन आई एफ ई इसमें हमने एफ़ को रिमूव करना है एफ़ की जगह वी राइट करना है और ई के आगे हमने एस लगाना है के एन आई वी एस नाइफ्स छुरी छुरियाँ कॉपी जहाँ पे लास्ट पर पी आता है वहाँ हम पी वाई को सॉरी जहाँ लास्ट में वाई आते हैं वहाँ हम वाई को रिमूव करके उसकी जगह आई एस राइट करते हैं सो कॉपी कॉपीज़ यू शुड टू बी इट विद नीट हैंड राइटिंग एंड फॉलो द राइटिंग पैटर्न्स एंड लर्न इट नेक्स्ट आपकी जो वर्किंग है ये वर्ड्स ओपोजिट्स हैं वर्ड्स ओपोजिट्स अल्फाज की जिद होती है डे नाइट दिन रात हॉट कोल्ड गर्म ठंडा सिट स्टैंड बैठना उठना खड़े होना अप डाउन नीचे ऊपर नीचे ओपन क्लोज खुला हुआ बंद नियर फार करीब दूर ड्राई वेट, खुश्क गीला इजी हार्ड आसान मुश्किल सॉफ्ट हार्ड नरम सख्त हार्ड को हम मुश्किल में भी ले सकते हैं मुश्किल के से सेंस में भी और सख्त के सेंस में भी हैवी लाइट भारी हल्का you should write it on your notebook english b notebook you must sure that it will be english notebook so write it neatly and follow the writing pattern and learn it